Hello student, welcome to you in RCI Education Hub Bansur classes. In previous classes, we see the synthesis of phenol by different methods. Today, we see the physical properties of phenol. Physical properties of phenol. किसी भी कंपाउंड की कंप्लीट स्टडी करनी है तो उसके तीन फीचर्स अपन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी सिंथेसिस मेथड्स, देन वी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन वी सी इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आफ्टर दिस वी सी देयर एप्लीकेशन पार्ट एंड डेली लाइफ एंड अदर पर्पस. मोस्टली फोर टॉपिक कॉमन इन एवरी कंपाउंड. हर कंपाउंड में चार टॉपिक ऑलवेज कम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सिंथेसिस मेथड बनाने की जो विधियां होती हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंपाउंड जो आप पढ़ रहे हैं, एल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता कैसे, ये तो कहलाता है सिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है अदर कंपाउंड के थ्रू. सेकंड पार्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस कलर किस टाइप का है, उसका ऑडोर किस टाइप का है, ये सारा प्रोसेस जो है वो आपको किस में दिखाई देगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में शो होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड डेट मे बी गैस. वी स्टडी कर रहे हैं फिनोल की. फिनोल डेट इज आल्सो ए सॉलिड कंपाउंड. सॉलिड अवस्था में पाया जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो इट हैव मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज इन ए लो टेम्परेचर इट बिकम्स सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म बट ऑन हाई टेम्परेचर इट बिकम्स इन लिक्विड फॉर्म. सो सॉलिड एंड लिक्विड बोथ स्टेट आर एग्जिस्ट इन फिनोल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट्स सॉलिड एंड लिक्विड स्ट्रक्चर्स एंड वी ऑल्सो सी इट्स बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी वेरी वेरी लो बिकॉज देर विल बी melting point is very low, that is 314 Kelvin, but BP is very high, that is 45 Kelvin. What is boiling point? The temperature on which a liquid is converted in gaseous state, that point is comes boiling point. In this you see phenol is very solid nature or liquid nature both types, but if it found in liquid nature that will be its BP, if it come in solid nature that will be its melting point. Melting points mean the points on which your temperature on which solid is converted into liquid conditions, liquid state, that is called also melting point. Or this temperature is fixed for every compound. For phenol, this is 314 Kelvin. You can see here. Firstly, boiling point is high compared to melting points. Other, its a main property is H bonding. फिजिकल प्रॉपर्टी में एक ही फ्यूजन घटक होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सी द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल. फिनोल का आप स्ट्रक्चर देखिए, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल. व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आई टेक अनदर कंपाउंड दैट इज ऑल्सो इट इज क्लोरोबेंजीन. क्या है ये? इट इज क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन है
इसके साथ हाइड्रोजन जो है ये बॉन्डिंग करेगा, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये लगता है, हाइड्रोजन जो इससे बॉन्डिंग करता है मोस्टली फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है। कौन? हाइड्रोजन एटम, दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएगी ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। क्या कहोगे इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेन इफेक्ट जो है बेटा टेम्परेचर पर पड़ता है, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। और आपने देखा है दैट विल बी सी दैट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ए वेरी हाई, क्या है? वेरी हाई कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट। What is the reason of this? This reason is that hydrogen bonding भी two type की होती है। कौन कौन सी? One is intermolecular, inter means different type molecules, that is intermolecular hydrogen bonding। If in hydrogen molecules this type may be also OH and there will be Cl, there will be also hydrogen bonding, that is called intramolecular hydrogen bonding। कौन सी कहलाएगी? intramolecular hydrogen bonding, यानी खुद के molecule में खुद ही bonding कर रहे हैं, दूसरे molecule की requirement नहीं है। यहाँ पर दो टू मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं अपन ने, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है। और एक ही मॉलिक्यूल यूज करने का मतलब है OH में H यहाँ पर जेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों के बीच में दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So in this hydrogen bonding H is not free, so free नहीं है, तो इसको free करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाली condition में अगर strong bond का formation हो गया है तो ये कौन सी state में आ जाएगा? Solid और liquid state, दोनों both state हैं। Liquid state में अगर ये आता है तो इसका क्या decide करेंगे? Boiling point। Solid state में है क्या कहलाएगा इसका? Melting point। So there will be due to hydrogen bonding it's a BP and MP is very high, okay, very important point in physical properties, only one is important, why is phenol have high BP and MP? आप इसका examples हैं, उसका example के साथ में answer क्या देंगे? Because in phenol hydrogen is present and also oxygen in hydroxy group, so it take formation of hydrogen bonding just like intermolecular and intramolecular, mostly if intramolecular hydrogen bonding is preferred in phenol, so it's more stable is form comes, so it is very becomes a high solid or liquid, so temperature is required for BP and MP is high compared to other components, okay, that is main feature of phenol physical properties, the formation of intramolecular hydrogen bonding different to other compounds for phenol, it is main feature of physical property, it is also used in antiseptic, kaisa hota hai antiseptic, you know घर की साफ सफाई करने में फिनोल को यूज करते हैं। ऑलरेडी आप देखते हो जो क्लीनिंग होता है, वास क्लीनिंग है, विंडो क्लीनिंग है, या ऑलरेडी फार्सेस की क्लीनिंग करते हैं उस क्लीनिंग में इसको यूज करते हैं, फिनोल को यूज करते हैं। फिनोलिक इसकी स्मेल आप ऑलरेडी देखते हैं इन मॉर्निंग, यू कैन सी इन होम वी यूज बिकॉज इट इज एंटीसेप्टिक। कैसा होता है? एंटीसेप्टिक प्रवृत्ति का होता है। एंड आल्सो ये पेस्टिसाइड, कैसा होता है? पेस्टिसाइड नेचर का होता है, पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड को डिस्ट्रॉय करने के काम भी आता है, ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इट इज आल्सो ए स्पेसिफिक ऑडियोर दैट इज फिनोलिक ऑडियोर,
ओके, इसकी जो ओड्यूर होती है, गंध जो होती है किस टाइप की होती है, फिनोलिक, कैसी होती है, फिनोलिक नेचर का होता है। दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल फिसी, इट इज सॉलिड और लिक्विड कंडीशन, डिपेंड ऑन वीपी एंड एमपी, इज हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड, इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर। थर्ड, इट्स हैव ए ओड्यूर दैट इज फिनोलिक ओड्यूर, एंड आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये है फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर आपने फिनोल को एयर में ओपन टाइप से रख दिया है, यह है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइज कंपाउंड दैट इज कॉल्ड बेंजो क्यूनोन। किसका फॉर्मेशन करेगा, बेंजो क्यूनोन का फॉर्मेशन कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड बेंजो क्यूनोन। ओके, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फिनोल का ऑक्सीडेशन होने से, ऑक्सीडाइज होने के बाद एक कंपाउंड यहां पर बन रहा है दैट इज कॉल्ड बेंजो क्यूनोन, और बेंजो क्यूनोन इज आल्सो टॉक्सिक इन नेचर, दैट इज आल्सो टॉक्सिक इन नेचर, दैट इज कलर इज पिंक। कौन से कलर का होता है, ये पिंक कलर का होता है, दैट मींस पिंक कलर लिक्विड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैरा बेंजो क्यूनोन। किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजो क्यूनोन जो बनता है वो किस टाइप का है, ये वाला ऑर्थो है, ये मेटा है, ये कौन सा है, पैरा, कौन सा बनता है बेटा, पैरा बेंजो क्यूनोन का फॉर्मेशन होता है। पैरा बेंजो क्यूनोन का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, किस कलर का है, ये पिंक कलर का हो जाता है। ऑलरेडी अपन देखें तो फिनोल जो था कैसा था, मोस्टली दैट इज सॉलिड इन नेचर, क्रिस्टल सॉलिड, स्पेसिफिक फिनोलिक ओड्यूर थी इसकी, एंड इट इज आल्सो इन मोस्टली येलो कलर, बट आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ पैरा बेंजो क्यूनोन दैट्स इस कलर बिकम्स ए पिंक। किस टाइप का बन जाता है, ये पिंक टाइप का हो जाता है। इसका मेन रीजन क्या है, फिनोल जो होता है एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, पैरा बेंजो क्यूनोन का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑनली रिमाइंड इन मेमोरी दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज यूज फॉर एमपी एंड बीपी हाई ऑफ फिनोल। सेकंड, आपको रिमेंबर करना है इस वाले पार्ट में, दैट इज रिएक्शन ऑफ फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर्मेशन ऑफ पैरा बेंजो क्यूनोन। ओके, दैट्स कलर इज चेंज फ्रॉम फिनोलिक टू पिंक कलर। ओके, तो इन फिजिकल प्रॉपर्टी टू पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड इज इट्स पिंक कलर नेचर किस कारण से आती है, उसका आपको रीजन इसके अंदर बताना है। तो अपन ने अभी तक इसकी सिंथेसिस प्रोसेस अपन ने देख लिया है, फिनोल के बनाने की मेथड्स हैं वो अपन ने देखी हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो अपन ने इसके अंदर इस लेसन में देखा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी मेन प्रॉपर्टी अपनी है वो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, काफी लंबा प्रोसेस चलेगा, डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं वो फिनोल के द्वारा शो की जाएंगी, उन केमिकल रिएक्शंस को अपन स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कंटिन्यू वीडियोस को आप देखते रहें, इनको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें। ओके, थैंक यू सो मच।